लालू यादव जो कर्पूरी ठाकुर के शिष्य माने जाते हैं, उन्होंने भी सामाजिक आधार पर आरक्षण की वकालत की थी। ऐसे में लालू यादव ने धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात क्यों कही, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास नहीं है बीच चुनाव? अब बात रामगोपाल यादव की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भगवान राम को लेकर, मंदिर को लेकर जो बात कही, वो बात अब बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा इसे बनाती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बीजेपी ने पूछा है कि अगर इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने का मौका मिला तो क्या मंदिर पर ताला लगवा दिया जाएगा? जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नेमिस सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ। मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अयोध्या में लाखों भक्त अब तक रामलला के दर्शन कर चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर राजनीति की जानी मानी हस्तियां रोजाना राम मंदिर में माथा टेक रही हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी सियासत की धुरी बना हुआ है अयोध्या का राम मंदिर। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, ये मंदिर बेकार का है, मंदिर ऐसे नहीं बनते। राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं बना है, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बनाया गया है। करोड़ों लोग हजारों वर्षों से राम नवमी मनाते आ रहे हैं और इस देश में केवल एक राम मंदिर नहीं है। रामगोपाल यादव का बयान आया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लगे हाथों बीजेपी ने सवाल पूछा, अबू सलेम और मुख्तार अंसारी के लिए जाने जाने वाला यूपी पहले बेहतर था क्या? प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर बेकार है, इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम और छोटा शकील के लिए जाना जाता था। यहां पे उभरता हुआ उत्तर प्रदेश ये बेकार है। जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है। ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा निमिषारण्य। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान राम मंदिर का मुद्दा उछला तो कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि मंदिर बीजेपी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। राम मंदिर का कोई श्रेय भाजपा या माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना। अब फिर वही पुराने उस पे आ गए, जिहाद, मुसलमान, हिंदू, जो वो मोदी की गारंटी, वो सब वो भूल गए, अब इस पे आ गए, क्योंकि पहले 2 राउंड उनके बहुत खराब हुए। राम मंदिर के मुद्दे ने अब तक चुनाव मैदान में वो जोर नहीं पकड़ा है। विपक्ष भी संभल कर राम मंदिर के मुद्दे पर बयान देता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से छेड़ दिया है। राम गोपाल यादव के बयान के बाद एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति गरमानी तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।